अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ नींबू से बनी हुई खट्टी मीठी अचार की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही चटपटी भी, और ये बिना ऑयल के ही बनेगा। साले स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1/2 kg नींबू लिया है, और ये नींबू काफ़ी पीले साइज़ के, बहुत ही प्यारा सा देखने में भी लग रहा है। तो बड़े साइज़ का नींबू ले जब भी ले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ग्रेटर ले लिया है जो कद्दूकस करने वाला होता है। बस इस तरीके से इसकी स्किन को हटाना है, तो इसकी स्किन को ये बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देगा, हल्के हल्के स्किन को इसको हटाना है। और फिर जो है इसको आप इसी तरीके से हटाएंगे, तो इसकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, और कलर जो है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, तो येलो से क्रीम दिखने लगेगा। देख सकते हैं डिफरेंट दोनों में। तो जितने भी नींबू हैं, आपको इसी तरीके से इसके छिलके को हल्का रिमूव कर देना है। अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं नींबू को। तो यहाँ देखिए, नींबू को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नींबू को 2 टुकड़े में काट लीजिए, फिर आधे नींबू को 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4 भागों में काट लेना है। तो इस तरीके से एक नींबू में 8 पीसेस काट लेना है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसलिए अगर आपके नींबू छोटे हैं तो आप 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में ही बीज को भी हटाते जाना है, जितने भी नींबू हो सबकी कटिंग कर लीजिए और साथ में बीज को भी हटा दें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके एक पैन रख देना है, और इसमें डालना है धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन और जीरा, सब 1/1 टीस्पून है, और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जो है लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है 1 मिनट के लिए। तो ध्यान देंगे, बस लो फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाए तो फिर जो है गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ध्यान रखिए, अब जो है मैंने गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें हींग डाल दिया है। तो हींग डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया है इसी तरीके से। और फिर जो है मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक जो है मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने काला नमक का डाला है। काला नमक भी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर जो है इस सबको ग्राइंड कर लेना है। आप एक मिक्सी जार में इसको इस तरीके से पाउडर बना लीजिए, थोड़ा दरदरा होगा चलेगा। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके एक पैन रख देना है, आप स्टील का ही रखिए, मैंने स्टील का रखा है। और इसमें डाल देना है 1 कप चीनी, जो कि 250 ग्राम है। और यहाँ पे देखिए, मैंने नींबू को इसी में डाल देना है साथ में ही। तो नींबू को जब डाल दीजिए, फिर अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे चीनी के अंदर। और फिर जो है ये धीरे धीरे चीनी जो है वो पिघलने लगेगा। जब ये पिघलने लगेगा तो आप देख सकते हैं इसकी चाशनी, देखें कितना पूरे वाइट दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट पे डाल देना है मसाले, जो अभी पाउडर बना के रखा था रोस्ट करके। तो बस इसमें डाल दे सारे मसाले को। और फिर जो है मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल दिया है, क्योंकि इसे पीसा नहीं जाता है। तो इसी तरीके से खड़े डालिए, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर डालने के बाद जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। तो अब देख सकते हैं, बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए उबाल लेना है। और उबालने के बाद देखेंगे इसकी जो चाशनी है बहुत ही अच्छे से ठीक होने लगेगी। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून से ज़्यादा नमक और ऐड किया है, क्योंकि नींबू में काफ़ी ज़्यादा खटास होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नमक ज़्यादा आप यूज़ करें। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब एक कोई सा भी आप कंटेनर ले सकते हैं या फिर कांच का जार ले सकते हैं, इसको अच्छे से पहले सुखा लेना है आपको, और हो सके तो इसमें धूप ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद ही आप इस नींबू के अचार को स्टोर कीजिए, और फिर जो है आप इसको एयर टाइट ढक्कन इसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद जो है आप इसको रख दीजिए, सालों ख़राब नहीं होंगे। और इस नींबू की चटपटी और खट्टी मीठी अचार की रेसिपी आप बताइएगा कि कैसी लगी है। रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगती है, अगर पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वामियाद रखिएगा। बाय बाय।